नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। आज भारत ने एक इतिहास रच दिया। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को आज हरी झंडी दिखा दी गई। वाराणसी से ढाका होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक एमवी गंगा विलास जहाज 27 नदियों से होकर गुजरेगा। क्या ये नए भारत का वो आत्मविश्वास है जिसमें काम डेडलाइन के साथ पूरे हुआ करते हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम भी लगभग 50% पूरा हो चुका है। 1 जनवरी 2024 से पहले इसका निर्माण 100% पूरा हो जाने की डेडलाइन भी आ चुकी है। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं जिसकी डेडलाइन फिक्स नहीं की गई थी, जैसे हर गांव में बिजली, हाईवे के जाल, मुसीबत में मुफ्त राशन, सम्मान बचाने के लिए शौचालय, डिजिटल इकोनॉमी, ऐसे कई क्षेत्र। मैं ये नहीं कह रही कि पिछली सरकारों ने इस पर काम नहीं किया, सबने अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन फर्क ये दिखता है कि यहाँ डेडलाइन के साथ काम हुए। मैं आगे मोदी सरकार की कुछ ऐसी चीजें जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, इनका भी जिक्र करूं। लेकिन क्या डेडलाइन वाली सरकार बनाम बड़े बयानों वाले विपक्ष की लड़ाई हो रही है? न्यू इंडिया में 2024 की लड़ाई विपक्ष के लिए कितनी आसान, कितनी मुश्किल है? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पा रहा? यही है आज सवाल पब्लिक का। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ाई 500 वर्षों से अधिक से चल रही। इस मुद्दे ने बीजेपी की राजनीति को नया मिशन और नया जीवन दिया। इसलिए 2024 के चुनाव में जाने से पहले अगर राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है तो इसे छोटी उपलब्धि नहीं कहे। पहले आप सुनिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण पर आज क्या। 170 पिलर्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं, 170 पिलर्स, और ये काम पिलर के ऊपर बीम के ऊपर छत, अंदाज है कि ये काम सब अक्टूबर तक फिनिश कर लेंगे। 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। क्लियर कट डेडलाइन है राम मंदिर पर। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में ये वादा करती रही है, जब अदालत से हरी झंडी मिली तो आज का स्टेटस ये है कि 50% काम पूरा हो चुका है और जनवरी 2024 तक राम मंदिर पूरा हो जाएगा। वैसे काम पूरा करने की स्पीड सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। सरकार ने भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 1947 से 2014 तक 67 सालों में भारत $2 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बना, लेकिन 2014 और 2019 के बीच 5 साल में भारत $3 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन गया। बीते 2 साल में जब से कोविड काल है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। 2014 में 13 थे, 2022 में ये 20 के करीब हो चुके हैं। इंटरनेट यूजर 2014 में 25 करोड़ थे और अब 65 करोड़ हैं। डिजिटल लेन देन 2013-14 में 127 करोड़ था, अब 7422 करोड़ है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं, यानी कि फॉर्मल इकोनॉमी हुई है। यूनिकॉर्न क्लब में स्टार्टअप 2016 में 12
और 2023 में 107। आपको कुछ और आंकड़े बताते, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन, पीएम आवास योजना में तकरीबन 3.25 करोड़ घर बने, पीएम उज्ज्वला योजना से 9.5 करोड़ लोगों से अधिक को कनेक्शन मिला है, आयुष्मान भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को कार्ड मिले हैं, किसान सम्मान निधि 11.5 करोड़ लाभार्थी हैं, पीएम जनधन योजना में तकरीबन 48 करोड़ लाभार्थी हैं। 2019 में लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा हुई थी। 2019, 3 साल हुए हैं और तकरीबन 11.25 करोड़ ग्रामीण घरों में कनेक्शन पहुंच चुका है। बीच में कोविड के 2 साल भी थे, भूलिएगा मत। अब आपको रक्षा क्षेत्र का हाल बताते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट में बीते 5 साल में 334% की बढ़ोतरी हुई है। जरूरत के मुताबिक 2016 में राफेल डील हुई और 2022 तक सभी 36 विमान आ भी गए। पिछली सरकारें ना जाने कब से इसके प्लान फाइलों में लिख रही थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। जून 2022 में अग्निवीर स्कीम लॉन्च हुई और जनवरी 2023 से ट्रेनिंग शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा न्यू इंडिया की बात करते हैं। न्यू इंडिया स्पीड वाला इंडिया क्यों है? सिर्फ शिलान्यास नहीं, डेडलाइन पर काम और प्रोजेक्ट पूरे करने वाला इंडिया क्यों है, इसे समझने के लिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये बयान सुनवाती हूं। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वॉटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। हालांकि जब मोदी सरकार की स्पीड की बात होती है तो कुछ मसलों पर सवाल भी उठते हैं। मोदी सरकार ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, शायद ये पूरा नहीं हुआ। बीजेपी समर्थक कोविड की मजबूरी जरूर गिना सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किसान आय डबल करने के लिए जो स्कीम लाई गई थी, जो कानूनी प्रोविजंस लाए गए थे, उस पर इतना बवाल विपक्षी दलों ने किया कि शायद वो प्लान कहीं ना कहीं फंस गए। लेकिन ये फैक्ट है कि ये पूरा नहीं हुआ। किसानों की इनकम बढ़ी जरूर है लेकिन दुगनी आय तो नहीं हुई है। 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा हुआ था। विपक्ष का दावा है कि सरकार रोजगार देने में नाकाम रही। स्विस बैंकों से काला धन वापस लाने का वादा था जुलाई 2021 में। लोकसभा में सरकार ने कहा पिछले 10 वर्ष में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कांग्रेस ने एलएसी पर चीन का कथित विनाशकारी कैलेंडर 2022 भी जारी किया था। ये तो हो गई सरकार की कामयाबी और कुछ नाकामियों की बात, लेकिन विपक्ष कहां खड़ा है, उसकी प्रायोरिटीज और मुद्दे क्या जनता के मुद्दों के साथ मैच करते हैं? आइए आज मैं आपको दिखाती हूं राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम जो खत लिखा है। और इस चिट्ठी में आपको ये दिखाना चाहती हूं कि इसके पहले कांग्रेस के एक ट्वीट भी दिखाना पड़ेगा। ट्वीट में गूगल सर्च का स्क्रीन ग्रैब डालकर लिखा गया है, व्हेन यू गूगल फॉर जॉब्स इन अच्छे दिन, दिस इज व्हाट यू गेट। स्क्रीन ग्रैब के मुताबिक सर्च सजेस्ट कर रहा है पकौड़ा सर्च कीजिए। अब जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो जानते हैं कि इस तरह का होता नहीं है गूगल में, लेकिन अगर कांग्रेस समझती है कि व्यंग इस तरह होता है तो
चलिए यही सही। जो बेसिक इंटरनेट और गूगल समझते हैं वो जानते हैं कि भाई कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कांग्रेस वाले और अपना माथा भी पीट सकते हैं। अब कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा का एक ट्वीट भी देख लीजिए। उन्होंने एक चबूतरे की तस्वीर डाली जिस पर लिखा था भ्रष्ट पथ और उस पर लिखा जो है कल मैं लोक कल्याण मार्ग से निकल रहा था तो मैंने ये देखा। अरे भैया फोटोशॉप कर लीजिए, कहीं भी कुछ लिख दीजिए, अगर आपका ये इशारा है तो कोई अब तक कोई भ्रष्टाचारी का कोई भ्रष्टाचार का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाल पाया। और कल को अगर कांग्रेस के खुद के दफ्तर में कोई कुछ लिख दे तो इस पर क्या राजनीति होगी। राजनीति जनता की नब्ज पकड़ने का खेल है। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने लिखा है कि आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और यहाँ पर ये बात लिखी उन्होंने अपने सेकंड पैराग्राफ में और कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने लिखा है कि उद्योग चंद उद्योगपतियों के हाथ में सारी संपत्ति आ गई है देश। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरी जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि गहरा आर्थिक संकट है। आईएमएफ ने 2023 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ की दर 6.8% तक बढ़ने का अनुमान बताया है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसको 6.6 के आसपास बताया है। अब ये दुनिया के मुकाबले कहीं आर्थिक संकट कम से कम दिख तो नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा युवा बेरोजगार है। अब चलिए इसी को देख लीजिए, अगर बेरोजगारी की दर देखनी चाहिए तो फिर राजस्थान भी देख लीजिए। राजस्थान तो कांग्रेस राज में है, वहाँ देश में अगर 8% अनएम्प्लॉयमेंट है तो राजस्थान में 28.5% बेरोजगारी की दर है। अब झारखंड बिहार जो है वो चौथे और पांचवें नंबर पर है। अब विपक्ष क्या कह रहा है ये आप नंबरों से अंदाजा लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन पिछले 3 महीनों में महंगाई लगभग 4.5% से नीचे आ चुकी है और ये आपके स्क्रीन पर है नंबर। अब आप यूपीए का जमाना याद करिए, 10% से ऊपर की महंगाई दर थी जब 2013-14 की बात करिए तो। राहुल गांधी ने कहा कि सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के हाथ में आ गई है। भाई वही अब उद्योगपति तो कारखाने लगा रहे हैं राजस्थान में और देश के अन्य भागों में, तो भैया आप उन्हें अपने राज्यों में क्यों ला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में नफरत फैल रही है और हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हैं, कहां कब कैसे इसका कोई जिक्र नहीं। वो नफरत की बात करते हैं लेकिन ये वही राहुल गांधी है जो बयान देते हैं कि मोदी सरकार ने केरोसिन तेल छिड़क रखा है। अब कौन किसको नफरत सिखा रहा है। और कांग्रेस के शिवराज पाटिल जैसे नेता कहते हैं कि गीता में भी जिहाद का ज्ञान दिया गया है, तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल और सवाल पब्लिक का है कि 2024 में राम मंदिर, गंगा में क्रूज, काशी कॉरिडोर, मोदी की लोकप्रियता का राज क्या यही रहेगा। आस्था प्लस अर्थव्यवस्था वर्सेस कंफ्यूजन प्लस वादा खिलाफी 2024 में क्या यही लड़ाई है। और सवाल नंबर 3, क्या न्यू इंडिया ही विपक्ष से मोदी के आगे होने की सबसे बड़ी वजह है। यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब हम लेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुभ्रांश राय कांग्रेस के सीनियर लीडर है, रिजु दत्ता टीएमसी के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जेडीयू के लीडर हैं, रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सुजाता पांडे जी पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं। मेरा पहला सवाल जाता है सुभ्रांश राय माफ कीजिएगा सुभ्रांश राय जी, अगर सब कुछ इतना गलत है तो राहुल गांधी कोई ठोस सबूत क्यों नहीं देते। देखिए
देखिए नविका जी, मुझे बताया गया था और अभी आपके पैकेज को मैं सुन रहा था कि मैनिफेस्टो वर्सेस वादा, वादा खिलाफी, तो मैं थोड़ा शुद्ध हिंदुस्तान की भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 से पहले 100 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल नहीं था, वो आज है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरे हिंदुस्तान में, इसे कोई नहीं बदल सकता। 2014 से पहले 1100 रुपए का सिलेंडर नहीं था, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में सिलेंडर है 1100 रुपए का। 2014 से पहले जो महंगाई डायन होती थी नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो महबूबा हो गई है। खैर, इन मुद्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दो बातें और बताता हूं। बात करते हैं 2014 नरेंद्र मोदी जी के मैनिफेस्टो की। मैनिफेस्टो में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, 100 नई स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। अगर एक भी नई स्मार्ट सिटी का नाम आपको पता हो तो प्लीज अपने दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि उस स्मार्ट सिटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना था। मैंने नहीं देखा है, थोड़ा मुझे भी मार्गदर्शित करिएगा। एक, वो नहीं बना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2014 के मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने। 18 करोड़ नौकरियां कहीं नहीं बटी। 10-20-50 हजार का लेटर कभी बटता है तो उसका बढ़िया सा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि है। खैर, कोई बात नहीं। तीसरी एक और बात, 2014 के मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा एक बहुत मजबूत शब्द था। नविका जी, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि नवभारत टाइम्स ने दिल्ली के कंझावला वाले मुद्दे को उठाया, लेकिन दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सिक्योरिटी, सब कुछ नरेंद्र मोदी के सरकार के अधीन आता है। एक बेटी त्राहि त्राहि कर गई, बाद में सिर्फ उसी के चरित्र हनन की करने की कोशिश किया गया। क्या यह था महिला सुरक्षा? यह 2014 का वादा था। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, 2014 के मैनिफेस्टो में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया था, सब कुछ खराब है, कुछ सही नहीं चल रहा, ये IIT ऐसे ही बन गए, ये IIM ऐसे ही बन गए, ये सड़कों का जाल ऐसे ही बन गया, शौचालय ऐसे ही बन गए, और ये जो हर घर जल है, ये सिर्फ एक नारा था, ये कहीं पहुंचा नहीं। वो 11 करोड़ का जो नंबर है वो शायद किसी के सपने में आया होगा। सुभ्रांश राय जी, मैं आपसे तो बहस नहीं करूंगी, आरपी सिंह जी को कहूंगी आपको जवाब दें। आरपी सिंह जी, सुभ्रांश राय जी को जवाब दीजिए। मैं थोड़ा पूरा कर लूं मैडम, नहीं पूरा कर लूं, माफ कीजिएगा, ये आपको वक्त, आपको वक्त से बहुत ज्यादा वक्त दिया। अब रैली की स्पीच तो यहाँ पूरी नहीं हो सकती सुभ्रांश राय जी, थोड़ा सा आरपी सिंह जी को भी सुन लीजिए। मैडम प्लीज, चलिए कोई बात नहीं, उनको भी रैली मत दीजिएगा। नाविका, सुभ्रांश जी, आपको मौका मिलेगा। जी मैं नौकरी से शुरू करता हूँ, क्योंकि नौकरी की बात ये बार बार कहते हैं। ये जो पिछला साल गया उसमें 1,15,00,000 नौकरियां मिली कोरोना के बावजूद, और ये सरकारी आंकड़ा है, आपको मैं डेटा भेज रहा हूँ अभी। उससे पिछले साल में 1,51,00,000, उससे पिछले साल में 1,49,00,000, ये सरकारी आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है। परंतु क्या कि बात नौकरी है उसका विषय नहीं है, लोगों को आज तसल्ली है। जो भी आप कह रहे थे, कभी किसी ने सोचा था इस देश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत लोगों की स्वास्थ्य की चिंता हो पाएगी? आज देश के अंदर कितने लोगों का स्वास्थ्य का, आपने भी बताया 20 करोड़ लोगों का कार्ड बन गए हैं, 20 करोड़ लोगों का कार्ड बन गया था, उतने परिवारों के चिंता हो रही है स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी किसी ने सोचा था कि किसान को सम्मान निधि मिलेगी हर महीने? ये तो वादा करके आए थे राजस्थान के अंदर राहुल गांधी कि मैं 10 दिनों के अंदर आपके कर्जे माफ कर दूंगा। जरा हाल में पिछले दिनों में किस प्रकार वहां लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, चलो वीडियो चला दिए, समय लग जाएगा इनको क्या हालत है वहां पे। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं? ये अभी गए थे वहां पर अमृतसर, मत्था देखा, बाहर आकर अकाल तख्त पे भी आकर मत्था देखते, नहीं देखा अकाल तख्त पे मत्था, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता कि 30,000 सिखों का नरसंहार आपने किया 80 से लेकर 90 के दशक में, उसका जवाब दे कौन देता? उसका जवाब है नहीं इनके पास। और जिस प्रकार इन्होंने सिखों को, जो कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी मानी जाती है, उनको एंटी नेशनल पेंट कर दिया सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए, और उसके चलते हुए ये कहते रहे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये जोड़ने की बात करते हैं, जगदीश टैक्टर इनकी यात्रा का हिस्सा बनते हैं, कमलनाथ आज भी इनके सर के ताज है, वो आज भी इनके एडवाइजर है, ये जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन एक लेकिन लेकिन मुद्दा लेकिन मुद्दा आज लेकिन मुद्दा आज इस बात का है कि डेडलाइन पर काम होता है कि नहीं, क्योंकि डेडलाइन का मुद्दा है। वैसे तो 75 सालों में बहुत कुछ हुआ, गरीबी हटाओ का नारा आया था। रीजू दत्ता जी, मेरा आपसे ये सवाल है,
सवाल ये है कि IIM बनने हैं, एम्स बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, आयुष्मान भारत बनना है, किसान सम्मान निधि देनी है, उज्ज्वला योजना देनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना देनी है और राम मंदिर देना है। इन सब का, काशी कॉरिडोर का जो जो डेडलाइन था, इन सब में ये स्कीम्स और ये प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। और पहले के जमाने में आप जानते हैं, आप अर्थव्यवस्था का काफी ध्यान रखते हैं, आपको पता है कि कॉस्ट ओवररन्स होते थे, प्रोजेक्ट 5 साल की जगह 10, 12, 15 सालों में कंप्लीट होते थे। अब एक डेडलाइन होती है, उसमें काम पूरा होता है और उसके बाद कोविड के बावजूद डेडलाइन थी अगर वैक्सीनेशन की तो वो काम भी हुआ। तो रिजु दत्ता जी, मुझे एक चीज बताइए कि अगर जनता वोट करने जाएगी 2024 में तो सिर्फ बयानबाजी पर वोट होगा या वो काम देखेंगे कि काम क्या हुआ और किस तरह का इल्जाम और आरोप विपक्ष लगा रही है? मुद्दा इस बात का है नाविका जी। नमस्कार। देखिए, हम लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, हमारी क्या हैसियत है इस देश में? क्योंकि हम अगर लोगों के मुद्दों को लेकर लड़ाई करें, संविधान के हित में लड़ाई करें, तो हम देशद्रोही बन जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, 2014 साल से सीबीआई, ईडी और आईटी के 95% जो रेड्स हुए हैं वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर हुए हैं। तो संघीय ढांचा तो तार तार हो गया इस देश में। चाहे हमारी बात छोड़ दे, हम विश्वगुरु की बात करते हैं जिनको 50% भारत के लोगों ने वोट दिया है। क्या उन्होंने कहा था, उनकी वादा क्या था? 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 साल का अग्निवीर दे दिया। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वंदे भारत दे दिया जो हर 2 दिन में रुक जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा था पक्के घर बना के देंगे, अरे शौचालय बना के दे रहे, पक्के घर ही नहीं बने तो शौचालय कहां से बनेंगे। तीसरी चीज उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लेंगे, नहीं तो 30 दिन में मेरे को लटका देना। आज भी विजय माल्या लंदन में पार्टी कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आरपी सिंह जी यहां पर हैं, उन्होंने किसान आय दुगनी होगी, 700 किसान और हमारे अन्नदाता बैठे बैठे शहीद हो गए। और 15 लाख का जो जुमला था उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, छोड़ दीजिए नाविका जी। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है कि प्रधानमंत्री जी ने जनहित में जो जो वादे किए थे वो पूरा कर दे। क्योंकि इस देश में, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, इस देश में एक ही डेडलाइन माना जाता है, वो है मूर्ति बनाने का और मंदिर बनाने का, क्योंकि वो वोट में काम आती है। और इसके सिवा किसी चीज का कोई डेडलाइन नहीं। आपने उजाला का नाम लिया, उजाला चल रहा है अभी। आयुष्मान भारत में कितने प्रतिशत फंड जा रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कितने प्रतिशत फंड जाते हैं? आपने कहा 11 करोड़ घरों में पानी चला गया, अरे देश की आबादी 160 करोड़ है, अगर एक घर में 4 आदमी भी रहता है तो 40 करोड़ घर है। 11 करोड़, मैं बोल रहा हूं वो काम कर रहे हैं, काम करें। हम विपक्ष एक इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। भैया रिजु दत्ता जी, आपका दर्द मुझे पूरा समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है। वंदे भारत रुक गई, अरे कहां रुक गई, जरा थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा डेटा दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये 11 करोड़ घरों में कहां, इसे तो 40 करोड़ घरों में जाना चाहिए था। भैया 70 सालों में तो ये कहीं नहीं गया था, अब तो कम से कम 11 करोड़ घरों में गया है पिछले 3 सालों में। आप कह रहे हैं ग्लास आधा खाली क्यों है, लेकिन जो भरा है और डेडलाइन के साथ भरा वो आपको दिखता नहीं, वो जनता शायद देखती है तभी वोट देती है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर इतना सब कुछ खराब है मोदी जी का, तो विपक्ष का के राज्यों में तो सही हो रहा होगा। अब आपको ईडी और सीबीआई का आपसे है, एक डेडलाइन आपने भी दी थी जब आप तेजस्वी के साथ पुरानी दोस्ती को नई दोस्ती में कन्वर्ट करके साथ चले गए थे, आपने भी कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे, दी क्या? लोगों पर डंडे बरसाए जिन्होंने नौकरी मांगी, बिहार का तो ये रिकॉर्ड है। और चाहते हैं आप कि आप प्रधानमंत्री की रेस में सबसे अव्वल नंबर पर आ जाए मोदी के विपक्ष में, अब कथनी और करनी में कुछ तो मेल होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी सरकार को बने अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, और 100 दिन में 10 लाख नौकरियों की अपेक्षा की है, इस दिशा में काफी ईमानदार प्रयास हो रहा है और नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। वो आरपी सिंह के 1.5 करोड़ प्रति वर्ष की नौकरियों के आंकड़े जैसे नहीं है,
इससे कि बिहार को लेकर के मीडिया कितना उदार है हम लोग जानते हैं, मैं आपको कि अगर हम नियुक्तियां नहीं देंगे तो किस तरह से इस पूरे वायदे की धज्जियां उड़ेंगी, इसका हमको एहसास है। मैं नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बातें केवल आपको कह दूं और फिर आपके विषय पर मैं आ जाऊंगा। नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचाने की बात कही और नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के पहले उन्होंने ये बात कही 2013 में। आज गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, आज जो हर घर नल जल है उसी का अनुकरण है आपके पूरे देश में, जो हर घर पानी पहुंचाने का जो केंद्र सरकार की योजना है, और बिहार में ये काफी सफल योजना है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के चलते हुए को जो सबसे बड़ी सफलता मिली उसमें कुछ उनकी एजेंडा के इश्यूज थे। आपको आरपी सिंह मैंने सुना है, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और नहीं तो आप मेरी बजाय आप बोल लीजिए। तो सिर्फ आपकी बात ही बढ़ा रहा हूं सर, मैं आप ही की बात बढ़ा रहा हूं सर। देखिए सबसे पहली बात आरपी सिंह जी, आप उन्हें बोलने दीजिए, ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए, आपको जवाब देने का मौका दूंगी। जी राजीव रंजन जी, बिजली की बात मैं मानती हूँ, लेकिन जब आप कहते हैं सरकार को अभी 100 दिन नहीं हुए, मुझे और जनता से एक सवाल आता है कि 100 दिन की सरकार नहीं हुई है, तेजस्वी यादव तो कह सकते हैं लेकिन नीतीश बाबू नहीं कह सकते कि 100 दिन की भी सरकार नहीं हुई। भैया कब से बैठे हैं कुर्सी पे? इस वायदे के 100 दिन, अभी इस सरकार के संकल्प के, अभी जो समय की बात मैंने कही है वो सरकार के संकल्प की बात की है, और ये आपको जब अगली बार हम जनादेश लेने जाएंगे तो फिर हमारा ऑडिट करा लीजिएगा, आपको जानकारियां मिल जाएंगी। नीतीश कुमार जी ने अगर बिजली कहा है, शराबबंदी कही, हर घर पानी पहुंचाने की बात कही, पंचायतों में आरक्षण की बात की, बात ना करिए, जब भी कितने, जो पूरा कितने लोग वहां मरे, स्पूरियस लिकर में कितनी माओं के बच्चे चले गए, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़ गए। आप शराबबंदी की बात तो ना ही करें तो बेटर है। सुजाता पांडे जी, सवाल ये है कि सबने कुछ कुछ किया है, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है, लेकिन जब आप लिस्ट देखते हैं कि डेडलाइन प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी किस में है, तो आप मुझे बताइए, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आप क्या देखती हैं? विपक्ष के राज्य देख लीजिए और बीजेपी का अपना एजेंडा देख लीजिए, अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको क्या लगता है? देखिये नाविका जी, सबसे पहले तो जब हम मोदी सरकार बनाम विपक्ष के कार्यकाल की बात करते हैं तो दरअसल हम राजनीतिक इच्छा शक्ति के फर्क की बात करते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति ही होगी कि मोदी सरकार ने अपने किए हुए वादे, जैसे राम मंदिर हो गया, मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी पता है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात हुई, 8 सालों में किसी भी मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे भ्रष्टाचार के छींटे भी नहीं पड़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हो गई, आज भारत जो है वो थर्ड सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, रिटेल मार्केट है, ईज ऑफ बिजनेस के लिए जाना जाता है, जबकि यही कुछ दिन 2014 के पहले यही भारत भ्रष्टाचार वाला भारत के रूप से जाना जाता था, जो भ्रष्टाचार का इंडेक्स था उस पर भी हम काफी नीचे पायदान पे थे। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही फर्क होगा नाविका जी, कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जहां पे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल गई वहां पे भी एक भी इंसान भूखमरी से नहीं मरा। हमने सिर्फ वैक्सीन लगाई नहीं, उसको देश में बनाई भी, जिसका मखौल सारे राजनीतिक पार्टियां उड़ा रही थी, कह रही थी ये वैक्सीन हम कैसे बना पाएंगे, हम फाइजर को दे देते हैं, हमारी तो कैपेबिलिटी नहीं, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम कहां से बना पाएंगे, लेकिन वो भी हुआ। लेकिन ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बात हुई कि जिस डिजिटल इंडिया का मजाक संसद में खड़े होकर पी चिदम्बरम ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है, उस डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार हुआ, और वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी दिए गए उन लोगों को जो कि आज तक सबसे पंक्ति में एकदम सबसे पीछे खड़े थे, गरीब भी गरीब और पिछड़ों के नाम पे उनसे वोट जरूर लिया गया लेकिन कभी उनके अकाउंट नहीं खुलाए गए। यही जो जिनके बारे में कांग्रेस कहती थी कि भैया 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, कितना भ्रष्टाचार है, उसी उन्हीं लोगों के घर में गया। उसके बाद आप देखिए 75 साल लग गए महिलाओं को टॉयलेट की सुविधा लेने के लिए, एक साफ ईंधन, साफ पानी,
पक्का मकान ये सपना हुआ करता था नाविका जी, ये मिला है और ये डाटा कहता है, मैं नहीं कहती, जाकर चेक कर ले। रवि श्रीवास्तव जी, क्या इस देश में गरीब आदमी की दौड़ रोटी कपड़ा और मकान जो 70 के दशक में हुआ करती थी वो चली 2014 तक, और तब से अब तक जो 8 साल हुए हैं उसमें कोई फर्क आया या नहीं आया? जनता को लगता है शायद आया, आपको क्या लगता है? धन्यवाद नाविका जी समय देने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। हम आज भी जो देश का जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे आखिरी आदमी है पायदान पे, वो आज भी वही का वही है जहां पर पहले था। क्या कारण क्या है? हम लोग GDP की बात करते हैं मगर हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। पर कैपिटा कितनी बड़ी है नहीं हमें जवाब मिलता, मगर विपक्ष के वादों की आप बात करिए तो जहां तक सवाल कुछ पार्टियों के बारे में, मैं क्यों नहीं करते? सुजाता जी एक मिनट, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला। सुजाता जी अभी बीच में टिप्पणी नहीं, पहले वो बोलने फिर आप टिप्पणी। नहीं, रवि श्रीवास्तव जी आप बोले। देखिए विपक्ष का मैं हर पार्टी का जिम्मा तो नहीं लेता, मगर एक पार्टी जिसने जो दिल्ली पंजाब में आज काम करती है, आम आदमी पार्टी, कम से कम उसने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर जो वादे किए वो ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। तो भाई साहब, भाई साहब बता दीजिए, मुख्यमंत्री के घर के बाहर रोज किसान धरना क्यों करते हैं? बता दीजिए ना, आप तो उनके हिमायती थे, वो आपके खिलाफ क्यों हो गए? धरना तो प्रधानमंत्री के दरवाजे के बाहर दे रहे थे, जो 700 लोग मर गए वो धरना भी दे रहे थे। भाई तो आपके दरवाजे पर तो नहीं होना चाहिए था ना, आपके दरवाजे पर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है और पब्लिक के इस वक्त 5 सवाल हैं, 5 सवाल आए हुए हैं और पांचों के पांचों मैं कहना चाहूंगी, शुभ्रांश राय जी आप बहुत पॉपुलर हैं, सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। सवाल नंबर 1, संजय प्रजापति का मुंबई से सवाल, प्रधानमंत्री ने शौचालय, बिजली, गैस जैसी योजनाओं का भरपूर लाभ दिया, क्या इन योजनाओं की सफलता ही विपक्ष की बेचैनी है? सवाल नंबर 2 आपके लिए, किरीट पटेल का गुजरात के सुरेंद्र नगर से सवाल है, अडानी अंबानी का विरोध करने वाले राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राजस्थान में अंबानी के निवेश को कैसे स्वीकार किया? कथनी कुछ करनी कुछ। नंबर 3, न्यूयॉर्क से रमेश अरोड़ा का सवाल है, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या पूंजीपतियों से उनका धन छीनकर सरकारी खजाने में डालेंगे? सवाल नंबर 4, अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल है, शुभ्रांश जी गैस की कीमतों की बात करते हैं, ये बताएं 2014 से सबको इसी तरह LPG मिलती थी क्या जैसी अब मिलती है? मांगो, फोन करो, आ जाती है घर पर। और रामनाथ सिंह का कुशीनगर से सवाल है, कांग्रेस महंगाई की बात कर रही है लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां महंगाई कम क्यों नहीं हुई? शुभ्रांश राय जी मैं थक गई, शायद जनता नहीं थकी आपसे सवाल पूछते हुए। जी जी बिल्कुल, मैं 2-3 आपको नंबर शेयर कर देता हूं। 12 अगस्त 2022 का डेटा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 27 करोड़ हिंदुस्तानियों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे भेजा, विवश हो गए वो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए। ये डेटा बता रहा हूं, पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं है, ये पब्लिक के सवाल का जवाब नहीं है। पब्लिक ने पूछा आप अडानी अंबानी से सारा धन लेकर क्या सरकारी खजाने में डालेंगे, हाँ या ना? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, पब्लिक बहुत है, सुन लीजिए, सीधा सवाल सीधा जवाब। सीधा जवाब दे रहा हूं मैडम, आज आपने 2 अच्छी बातें कही। बिहार में शराब से जो बच्चे मर गए उनकी माओं पे क्या बीत रही होगी, तो जो गुजरात में मर गए वो कौन सी जनधन योजना में आते थे उसका आपने चर्चा नहीं किया, और सबसे बड़ा जोक तो आज आपने एक और मारा, आपने चर्चा की अपना और सुजाता जी जा की, आप लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल बैठी हैं। मैं आंसर दे रहा हूं ना, थोड़ा डेटा फैक्ट पे तो आने दीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार के संदर्भ में उन्होंने बात कही और शराबबंदी की बात कही तो मैंने बोला, अगर गुजरात की बात होती तो मैं कहती हां ये भी सच है स्टेट है मैडम, प्लीज गुजरात ड्राई। एक मिनट रुकिए, अरे एक रुक जाइए, एक अच्छी बात बताता हूँ। अब RP सिंह जी और आप दोनों के पास रिसर्च टीम है, अगले आधे घंटे में रिसर्च करके शो खत्म होने से पहले दर्शकों को बता दीजिएगा, प्रधानमंत्री क्रिटिकल बीमारी योजना उन्होंने ऑन किया था जिसमें क्रिटिकल बीमारी में 50 लाख रुपए मिलना था। 2022 का डेटा छोड़िए, 2021 का डेटा बता दीजिए, सिर्फ अगर 1000 लाभवांतियों का डेटा आपके पास हो तो।
हवा में योजना आती है, हिंदी योजनाओं का नाम इंग्लिश में डालो, देना तो कुछ है नहीं। 700 किसान जब दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर के बाहर शहीद हो गए, पर आज तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उनको मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, रुकिए ना मैडम, पहले पूरा अरे रुक, अब नविका जी मेरा सवाल पूरा होने दीजिए ना मैडम। भैया आपका सवाल वो 51 दिन की जो क्रूज है ना, जो 27 नदियों से निकल कर जाती है, उतना लंबा सवाल है आपका। प्लीज 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 प्लीज, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए सस्ता तेल कब मिलेगा, मैं नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये भी नहीं मांग रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन कब चलेगा, वो नहीं चलेगा, लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में 2022 तक सबको पक्का घर देने का वादा किया था। ये नहीं कहा था कि जब मौका मिलेगा बसे हुए घरों को तोड़ दूंगा, उजाड़ दूंगा। जोशीमठ साक्षात उदाहरण है। मैं भी रेखा से लोग ऊपर आए, ये डेटा आपको मैं भेज देता हूँ। 22.13% के अंदर 12.5% आपको 2021 मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, नंबर दीजिएगा, 10 साल का डेटा दे रहा हूँ आपको। जो गरीबी आपने सवाल पूछा है, तो जवाब सुनने, जवाब सुनने का धीरज रखिए, जवाब देने दीजिए, जवाब नहीं मिलेगा तो टिप्पणी करिएगा। जी जी आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। सरदार आरपी सिंह कभी हवाबाजी करता है नहीं, और मैं झूठा डेटा कभी देता नहीं। मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ। अभी नाविका, 700 किसान मर गए आज तक, सुप्रीम हो गया ना आपका, अरे हो गया ना आपका, 70 साल तक की रेखा की बात करते हैं, मुझे फेडरल डाउन करना पड़ेगा। आपने सवाल पूछे, जवाब सुनना पड़ेगा। अब आपको जवाब सुनिए, फैक्ट सुनिए। जी आपने कहा कि हमने बैंक नेशनलाइज करके गरीब आदमी का बैंक का खाता नहीं खोला, आपके रहते हुए किसकी बात करते हैं आप? तो कहते थे बैंक नेशनलाइज कर दिया हमने, परंतु एक गरीब आदमी का बैंक का खाता नहीं खोला। आज 0 बैलेंस में लोगों का बैंक के खाते खुल रहे हैं। आज 2 रुपए में तो उसको इंश्योरेंस मिल रही है 2 लाख रुपए की, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे मैं डेटा की बात कर रहा हूँ आपको, जो डेटा भेजो सुनिएगा और पढ़िएगा। 10% गरीबी रेखा से लोग ऊपर आए हैं, गरीबी रेखा से हटे हैं लोग, ये आपकी जानकारी दे रहा हूँ आपको, आप सुनने को तैयार नहीं है? अरे नंबर और सोर्स दोनों बोलिए। हाँ हाँ कोट करूंगा, अभी भेज रहा हूँ, डिबेट के दौरान ही भेजूंगा, चिंता मत करिएगा। बोलिए, मैं आपको डिबेट के दौरान ही भेजूंगा और आपके नंबर भी भेजूंगा, नाविका के नंबर भी भेजूंगा, चिंता मत करिएगा। परंतु जो मूल बात करिए, 1 करोड़ इकोनॉमी ये बताइए, 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, मुझे बताइए कितनी गरीबी हटा दी आपने? आप बात करते हैं वादों की, आप बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, आज इसका भी जवाब दे दीजिए। क्यों सुजाता पांडे जी, क्या गरीबी हटी 1971 से लेकर 1984 तक? कितनी गरीबी हटी? और फिर उसके बाद से लेकर 2014 तक कितनी गरीबी हटी? देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था उसमें गरीबी तो नहीं होती। हाँ, गरीबों का जो डेटा था और गरीबों का जो इंडेक्स था उसको बदल के रख दिया गया। हाँ, गरीबी नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस के लोग अमीर और अमीर और अमीर होते जाए। अगर यहाँ पे कांग्रेस के नेता बैठे दूसरे को गूगल सर्च करने को कह रहे हैं, जरा सर्च कीजिए सोनिया गांधी की अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, जरा सर्च कीजिए वो। उसके अलावा अभी कितने सारे मामलों में भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, और कितने सारे राहुल गांधी से लेकर रॉबर्ट वाड्रा से लेके सोनिया गांधी से लेके सभी बेल पे बाहर हैं। तो आप तो बात मत ही कीजिए भ्रष्टाचार की। और मुद्दा एक और भी है, जनता का सवाल एक और भी है, सुनील शर्मा का सवाल, और मैं रिजु दत्ता जी आप पर आ रही हूँ। सुनील शर्मा का सवाल प्रयागराज से है कि कई करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन भी लिया, क्या उससे स्वरोजगार नहीं मिला? सच बताइएगा, आज राजनीति नहीं, आज देश के निर्माण की बात बताइए। जवाब ये है, मैं एकदम सीधा जवाब देता हूं। देखिए, मैं बंगाल से आता हूं तो इसको बंगाल रिलेटेड जवाब दे रहा हूं। आप एक तरफ मुद्रा लोन दे रहे हैं युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। हमारे बंगाल में 2 दिन पहले की घटना है, हमारे विधायक अभी भी ना गुजरात में। हाँ, तो मैं रवि श्रीवास्तव जी आपसे बताना चाहती हूँ कि 2013 में पर कैपिटा इनकम थी 1438 रुपए, अब है 2256 रुपए। ये वर्ल्ड बैंक के नंबर हैं, सरकारी नंबर भी नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, कम से कम आंकड़े जो वर्ल्ड बैंक के हैं वो तो झूठ नहीं बोलते। जी रिजु दत्ता जी, इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है?
देश में जितनी महंगाई बढ़ी है, देश में जितनी कीमतें बढ़ी है, उसके मुकाबले ये पर कैपिटा का इंक्रीज कुछ भी नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, पहले आपने कहा कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हुई, आप कह रहे हैं ये इंक्रीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 2013 की महंगाई दर बता दूं, डिमोनेटाइजेशन, लेकिन राजीव रंजन जी खामियां ढूंढना बिल्कुल आपका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, खामियां ढूंढिए, लेकिन खामियों की बात जब होती है तो डेटा पर होनी चाहिए, फैक्ट्स पर होनी चाहिए। हमने आपको फैक्ट्स दिखाए हैं, इस फैक्ट को अगर आप झुटला सकते हैं, मैं ये कभी नहीं कह सकती कि सब कुछ हो गया, अब इसके आगे किसी सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे लंबा रास्ता अभी तय करना है इस देश को, लेकिन जो जो वादे किए थे उनमें से प्रमुख वादों की मैंने अचीवमेंट्स बताई हैं, आप इसको झुटला सकते हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पहले तो मैं आपके पिछले सवाल का जवाब मेरा आपने लिया नहीं था और तब तक आप चली गई थी, लेकिन मैं शराबबंदी को लेकर के एक बात जरूर आपको कहूंगा। देश में सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता के अनेक ऐसे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बाद भी आज हत्याएं और डकैतियां हो रही हैं। कोई कानून बेहतर है और बेहतर हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष ये है कि शराबबंदी एक ऐतिहासिक कदम था और उसके नतीजे भी बिहार के ग्रामीण इलाकों में दिखे हैं। दूसरी तरफ शराबबंदी को लेकर के ही गुजरात के एक आंकड़े को आपने झुठलाया। अभी आपने कहा कि मैं बिहार की चर्चा कर रही थी, लेकिन मैं कहूंगा कि अडानी का पोर्ट है मुंद्रा का ना, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नशीली दवाएं वहां पर, नशीली सामग्रियां वहां जब्त हुई हैं। हर मिनट 12 विदेशी शराब की बोतलें हैं और बिहार से बहुत ही पुरानी शराबबंदी गुजरात की है, प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है। देखिए, ये कानून, इनकी जो खामियां हैं उनको बेहतर बनाना किसी भी सरकार का संकल्प होना चाहिए, लेकिन इस कानून को बदले जाने की मैं आपसे इस बात पर सहमत हूँ, लेकिन राजीव रंजन जी आजकल नीतीश भाई से कुछ भी पूछते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना। अब ये कहीं से भी सकारात्मक राजनीति और कॉन्फिडेंस देने वाली राजनीति तो नहीं हो सकती। रामचरितमानस पर भी जो हुआ कल, उस पर भी उन्होंने यही बयान दिया। मुद्दा ये है और जनता पूछ रही है सवाल, मुकेश पुरोहित दिल्ली से और देवांग उज्जैन मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, ये दोनों वीडियो सवाल आपके सामने। मैं ये जानना चाहता हूं, विपक्ष मोदी का विरोध कर रहे हैं तो एयरपोर्ट हो गया, हाईवे हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, एम्स हो गया, हर घर नल योजना हो गया, तो क्या इसका भी विपक्ष विरोध करेगा? विकास के काम तो हर सरकार के समय हुए हैं, क्या मोदी सरकार ज्यादा प्रचार नहीं करती? पहला सवाल रिजु दत्ता जी आपसे, काम हुए हैं लेकिन आपको ये काम क्या पसंद नहीं है इसलिए इसकी खिलाफत करते हैं? नाविका जी देखिए, मैं सीधा बात करता हूं, 8 सालों में अगर मैं कहूं, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, कि मोदी सरकार या कोई भी सरकार रहे उसने कुछ भी काम नहीं किया तो ये तो कोई मानेगा नहीं। काम हुए हैं, अगर 100 बताया गया है तो काम हुए हैं 10 और बाकी 95 थे जुमले। मैं तो बोल रहा हूं कि मंदिर बने हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं एक हिंदू हूं, गर्व हूं मुझे इस बात पे, पर जो जनहित के वादे थे वो क्यों नहीं पूरे हुए? वो सारे जुमलों में चले गए। कहां है नौकरियां, कहां है पक्के मकान? 10% भारत के निवासी आज भी सड़क पे सो रहे हैं। आपने बोला कि पर कैपिटा क्या हुआ, 3.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों के जो लोन थे वो माफ कर दिए भारत सरकार ने, माफ कर दिए। जो बच्चा 2014 साल में पैदा होता था जिसके सर के ऊपर 15,000 का लोन था, आज उसके सर के ऊपर 70,000 का लोन है। आप प्रोविजनिंग हुई है, डॉलर का भाव आप बताइए, आपका मुद्दा, आपका मुद्दा बिल्कुल आप उठाइए, लेकिन सुजाता पांडे जी दूसरा पब्लिक का सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, क्या मोदी सरकार में प्रचार ज्यादा और काम कम होता है, आपकी क्या राय?
मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैसा नहीं पैमाना होता जो है, होता काम है तो वो नेकी में जनता होता का है। काम विश्वास अच्छा होता किया है, तो काम अच्छा किया और वो विश्वास आपको वोट के द्वारा पता चलता है, चुनाव दर चुनाव जिस तरह के नतीजे आए हैं। मुझे लगता है कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार का काम बोलता है और वो जमीन तक पहुंचता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज जैसे जिस तक बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम ट्रेन रुक गई है, तो इनका झूठ पकड़ा गया कि वंदे मातरम की ट्रेन रुक नहीं गई थी, उस पर पथराव हुआ था, और वो भी उनके ही राज्य में। वो ये भूल पर जाते हैं इसका जब वो भी कहते हैं कि वो उसका उसका भी खंडन हुआ कि वो नहीं, भी नहीं, बिहार नहीं में मैडम, हुआ था, आंध्र बंगाल में प्रदेश नहीं किसका हुआ राज्य था। है? हमारा है और ये भूल जाते हैं बिहार, कि किसका वो राज्य मोदी था? सरकार पे हमारा था। तो उंगली उठाते हैं, पर भूल जाते हैं कि कोरोना में इतने राज्य में आपका लाइन नहीं है, कुछ स्थिति नहीं है, थी, बुलेट ट्रेन का अस्पतालों वादा की करके आप स्थिति वंदे इतनी भारत खराब थी मर्सिडीज लोगों को कि दिखा बयान रहे नहीं किया हैं, सकता। नैनो में ये बिठा भूल रहे हैं। क्या होगा आगे, काम बोलेगा या विपक्ष की इस तरह की नारेबाजी बोलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि मुझे अगर पत्थर मारे जाते हैं तो उनसे मैं अपने लिए सीढ़ियां बना लेता हूं। ये एक सच्चाई है। नरेंद्र मोदी को 2002 के बाद घेरा गया तो उन्होंने विकास पुरुष की लकीर खींची। 2014 में मोदी की जीत के बाद कहा गया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, लेकिन 2019 में मोदी ने पहले से बड़ी जीत दर्ज करके दिखा दिया। मोदी की बार बार जीत की वजह उनका जनता के मुद्दों को समझना, विपक्ष यही नाकाम हो गया है। जनता से कौन जुड़ा हुआ है, जनता की नब्ज किसके हाथ में है? जो नब्ज समझेगा वो ही राजनीति में आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या खोखले क्रिटिसिज्म और इस डेटा के बीच में आज की लड़ाई है, या वाकई पब्लिक को कुछ और चाहिए, ये पता चलेगा आने वाले दिनों में। और हम आप तक सारी खबरें और यही डिबेट्स भी लेकर आते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार, पर जाइए।